देख सकते हो गाइस की अभी इस पर चल रहा है इसके अंदर, जो कि सफारी प्लस SLR प्लस होमिक एसिड का दे रहे हैं इसमें, ब्लैक होमेट करके जो होमिक एसिड आता है वो वाला, काफ़ी इफेक्टिव स्प्रे है दोस्तों। क्योंकि भिंडी की कंडीशन देख सकते हो कि यहाँ पर जो बिना मल्चिंग की कंडीशन में भी दिखाऊंगा और मल्चिंग के अंदर भी कंडीशन को आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कंडीशन बन रही है अभी। ये जो है दोस्तों ये इल्ली का प्रकोप है, लट का प्रकोप है, जिससे जो है पत्ता वगैरह खाने का ज़्यादा समस्या बढ़ गई है इस मौसम में। अधिकतर सोयाबीन की वेराइटी में भी देख सकते हो, कपास में भी देख सकते हो, और हर वेराइटी के अंदर देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इल्ली का प्रकोप देखा गया है। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हेवी दवाई का प्रयोग करिएगा इल्ली के लिए, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। इधर दो चांस लगाए गए हैं दोस्तों बेट के अंदर भिंडी के, बाकी मल्चिंग के द्वारा जहाँ पर लगा गया है वहाँ पर तीन चांस लगाए गए हैं। क्योंकि मल्चिंग और बेट जो बिना मल्चिंग का होता है उसमें ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। देख सकते हो कि अभी इसकी कंडीशन दिखाऊंगा और मल्चिंग की कंडीशन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से भिंडी का हो रहा है। अभी आके जाके मल्चिंग भी दिखाएंगे आपको कि मल्चिंग की विधि से किस प्रकार से भिंडी का उत्पादन कैसे अच्छा सा ले सकते हो, ये सारी जानकारी अगली वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उत्पादन ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बाकी दोस्तों देख सकते हो कि दवाई का स्प्रे ऐसे करो कि पूरा पत्ता आपका जो है वो गीला हो जाए और कोई भी उसके अंदर समस्या उत्पन्न ना हो अगले बार। बाकी देख सकते हो ये काला काला पदार्थ जो है वो होमिक एसिड का पदार्थ है, जो कि अच्छा खासा इसमें रिजल्ट लाएगा दोस्तों, फुटाव के लिए बहुत ही शानदार इफेक्ट डालेगा दोस्तों। बाकी 5-6 लेबर उतार के हम इसमें जो खरपतवार है वो भी देख सकते हो यहाँ पर इसको निकलवा देंगे। बाकी जो है हमारा स्प्रे बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है किसान द्वारा, 4 मुखी नोजल है दोस्तों इसकी। पंप भी बता देता हूँ कि 15 लीटर का पंप है, क्योंकि हम एक एक डिटेल्स बहुत ही ब्रीफ में जाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी जो है फसल में उत्पादन वगैरह अच्छा खासा उत्पन्न हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। दवाई जो डाल रही है 1 चम्मच जो है हमारी सफारी जो है वो डाल रही है इसके अंदर पंप के अंदर, प्लस दूसरी जो दवाई है हमारी वो है SLR 525 इंसेक्टिसाइड, जो कि बहुत ही शानदार है। केमिकल दिखा देते हैं आपको दोस्तों कि कौन सा केमिकल इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ये सारी डिटेल्स है दोस्तों इसकी। ये देख सकते हो दोस्तों कि इसके अंदर आता है पायरीफॉक्सिन 5% और डाइफेथ्रोमीन 25% SC। अब ये देखते हैं कितना ml जाता है प्रति पंप के हिसाब से दोस्तों। किसान साथी कितना डाल रहे हो प्रति पंप के हिसाब से? बोलो 25 ml प्रति पंप के हिसाब से जा रहा है गाइस। तो बोल जा। बाकी देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से पंप भर रहा है। देख सकते हो दोस्तों सफारी जो है ये वाली कंपनी है सफारी, इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC इंसेक्टिसाइड आता है, जो कि हम इमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम आती है वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लटों के इफेक्ट के लिए होता है। और दूसरा ये है जो SLR मच्छर वगैरह के लिए होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों ये जो है वो होमिक एसिड डाल रहे हैं, देख सकते हो इसके अंदर काला काला, जो कि फुटाव का वगैरह का काम करेगा भिंडी के अंदर और बहुत ही शानदार खतरनाक फुटाव लेगा। अब दोस्तों यहाँ से पंप उठा के चलते हैं अपनी भिंडी की तरफ और वहाँ पर स्प्रे डालते हैं किस प्रकार से स्प्रे होगा। बाकी देख सकते हो गाइस कि वो होमिक एसिड का पैकेट किस प्रकार से आता है, ये सारी दवाई इस पंप के हिसाब से चल रही है।